17 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर है 17, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इसमें भी आपने फ्रैक्शन निकालना है। अब यहां पर फ्रैक्शन का प्रोडक्ट निकालना है 6/7। ये पार्ट में लिखा हुआ है 6/7 मल्टीप्लाई बाय 2/3। यहां पर आ जाए आप, इसी तरीके से आप अपनी कॉपी में करने 6/7 मल्टीप्लाई बाय 2/3 सॉल्व लिख के 6/7 मल्टीप्लाई बाय 2/3 6 मल्टीप्लाई बाय 2 7 मल्टीप्लाई बाय 3 सही है। इसके बाद यहां पर देखें कि क्या ये दोनों ऊपर नीचे हम डिवाइड करते हैं, मतलब अगर दोनों ऊपर नीचे एक ही टेबल में आ रहा होगा तो हम इसको काट देते हैं, ठीक है, एक ही टेबल में अगर आ जाए तो, या अगर ऊपर की या फिर इस साइड की वैल्यूज, जैसे कि 4/2 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 3/6 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ वाली वैल्यू भी देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 6/7 एक ही टेबल में नहीं आता, 2/3 भी एक ही टेबल में नहीं आता, तो आप यहां से देखें 2/7 एक ही टेबल में आता है, नहीं आता। 6/3 एक ही टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 3/1 = 3, 3/2 = 6, यानी कि हमें 3 का टेबल पढ़ना है। 3/1 = 3, जितने टाइम आता है हम यहाँ टाइम लिखते हैं, 3/1 = 3, 3/2 = 6। तो यहां पर क्या आया, 2 × 2, 7 × 1, तो 2/2 = 4, 7/1 = 7, तो 4/7 आपका आंसर है। उसके बाद डी पार्ट देखें, 8 × 8/9 × 27/8 सॉल्व लिखा आपने, अगेन क्वेश्चन आपने उतारा, फिर उसके बाद यहां पर आपने एक साथ करके लिख देना है। यहां पर आपने ऊपर नीचे देखना है, पहले 8 और 9 27 और 8 एक ही टेबल में नहीं आता, 8 9 एक ही टेबल में नहीं आता, 27 और 8 एक ही टेबल में नहीं आता, तो यहां पर आपने क्या करना है, 8 × 1 = 8 ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 9 × 9 9 3 = 27, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 × 3 और 1 × 1, मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब 1 × 3 = 3 1 × 1, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में 1 आए तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाय यूजिंग ब्रैकेट टू हेल्प यू। अच्छा, यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो सॉल्व करना होगा। अच्छा, यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, प्रीवियस वाली एक्सरसाइज में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है क्या है, तो यहाँ पे देखें इस तरीके से होता है, जैसे बिल फर्स यहाँ पर ए की कोई ना कोई वैल्यू है, a + b + c = a + b + c, तो यहाँ पर बस फर्क ये होता है कि इसमें दो यहाँ पे ब्रैकेट होती है a + b, और यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट होती है b + c। ब्रैकेट लगाने का मकसद ये होता है कि आपने पहले a + b करना है और यहाँ पे b + c करना है, और जो इसका आंसर आएगा उसको प्लस करना है ए से, जो इसका आंसर आएगा उसको प्लस करना है सी से, और इन दोनों के आंसर अगर सेम आ गए तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो प्रूव हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर हमें इसको मल्टीप्लीकेशन में दे दिया है, तो मल्टीप्लीकेशन में भी वही काम है। यहां पर मैं आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगी, तो यहां पर लिखा हुआ है 1/2 × 1/4 × 1/5, तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, तो उसके हिसाब से 1/2 × 1/4 में ब्रैकेट लगाया मैंने 1/2 × 1/5 = 1/2 × 1/4 × 1/5 इसके अकॉर्डिंग ए क्या है मेरा, ये बी क्या है मेरा, ये सी क्या है मेरा, ये इसी तरीके से ए मेरा है, ये बी मेरा है, ये सी ए है। यहाँ पे दोनों जगह ब्रैकेट लगाई तो मैंने ए बी के दरमियान ब्रैकेट लगा दी, इसकी जगह ब्रैकेट लगाई तो मैंने इन दोनों की जगह पर ब्रैकेट लगा दी। अब इन दोनों के आंसर सेम आने चाहिए, अगर इन दोनों के आंसर सेम आने चाहिए तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। पहले हम इसको कंसिडर करेंगे राइट हैंड साइड और इसको कंसिडर करेंगे, देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने लिख दिया एल एच और एस, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगी, तो एज इट इज मैंने लेफ्ट हैंड साइड उतार ली, राइट हैंड साइड मैंने अभी नहीं उतारी क्योंकि मैं राइट हैंड साइड अभी सॉल्व नहीं करी, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड उतार लिया। अब आपको यहां पर मल्टीप्लाई बाय 1/5 को तो भूल जाओ, यहां पर क्या है 1/2 × 1/4, अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है 1 से, और 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 4 से, ये दोनों आमने सामने ऊपर नीचे नहीं करते, ठीक है, आमने सामने नहीं काटते, ऊपर नीचे काटते, ऊपर नीचे नहीं करते, ठीक है, एक ही टेबल में नहीं आ रहे, तो इसीलिए हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/1 = 1, 2/4 = 8, सही है, 1/8,
मल्टीप्लाई बाय 1/5, यानी ये अब ये दोनों आमने सामने से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके आंसर से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 1 जा 1, 8 5 जा 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 5 जा 40, ठीक है, 8 5 जा 40। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर दी, राइट हैंड साइड पे आ जाएं। राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ था 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ठीक है, और ब्रैकेट लगी हुई थी बी और सी के दरमियान, ठीक है, सही से। अभी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, राइट हैंड साइड का हम आंसर निकालेंगे, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कट नहीं रहा इसलिए हमने आमने सामने मल्टीप्लाई करवा दिया, 1 1 जा 1 4 5 जा 20, ये आपका आ गया आंसर इस ब्रैकेट का, इस ब्रैकेट का आपका आंसर आ गया 1/20, और ये एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई। अब इसमें आकर अब आपने क्या करना है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 1 जा 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 20, आपने इस तरीके से लिख देना है, 1 1 जा 1 2 20 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आंसर आएगा 40। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 1/40 और राइट हैंड साइड का आंसर आया आपके पास 1/40। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव हो गए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको सी पार्ट भी सॉल्व करके दिखाऊंगी, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। मैंने 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसी तरीके से 1/3 मल्टीप्लाई, वैल्यूज उसी जगह पर है, बस फर्क क्या है ब्रैकेट चेंज कर दिए, वहां पे ए और बी के दरमियान लगाए, यहाँ पे बी और सी के दरमियान लगा दिए, ठीक है, मैं इसको ए भी बोलूँ, इसको बी सी बोलूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 1/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ब्रैकेट। अच्छा, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर नीचे तो कट नहीं रहा, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, आपने यहाँ पे लिख दिया 1/9 और मल्टीप्लाई बाय 1/2 एज इट इज चलता रहेगा हमारा 1/2, ठीक है। अब 1 1 जा 1, 9 2 जा 18, तो यहाँ पे आपने इस तरह से पहले लिख के दिखाना है, 9 2 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 जा 1, 9 2 जा 18, ठीक है, आप एक स्टेप और बढ़ाइएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे भी आपने इसी तरीके से करना है, यहाँ पर पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 1 1 जा 1, 6 3 जा 18, तो आपने यहाँ पे भी एक स्टेप बढ़ाना है, ठीक है, 3 6 जा 18, तो यहाँ पर लिख देती हूँ 1, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। देखें यहाँ पे भी 1/18, यहाँ पे भी 1/18, दोनों साइड प्रूफ हो गई है। अच्छा, अब आपने जो है इसका बी पार्ट खुद से करना है, मैंने आपको ए और सी पार्ट करके दिखाया है, आपने बी पार्ट खुद से करना है, ठीक है, बी पार्ट आपका होमवर्क है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉल्व दिस मल्टीप्लीकेशन मेकिंग श्योर ईच प्रोडक्ट इन इट्स लोएस्ट रन। अच्छा, यहाँ पे जो है पहले हम इसको होल नंबर को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद फिर उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और जितना हमसे सिंप्लीफाई हो सकता है इसको लोएस्ट टर्म में लेकर आएंगे, यानी छोटी से छोटी वैल्यू करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 होल 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 होल 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3, पहले इस होल नंबर को किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। किस तरीके से चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर में तो 5 आ जाता है, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू पहले तो आपने एज इट इज क्वेश्चन उतार लिया, ठीक है, डिनोमिनेटर में तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर में कैसे हम लिखेंगे, 5 to the 10, 5 to the, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 5 to the 10, 2 में 10 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 12/5 मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज। अब आप इसको सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर दें, 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं है तो क्या है 1, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 12 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 36 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी आ जाए और न्यूमिनेटर बड़ा आए तो आपने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, 5 बाहर 36 अंदर, 5 7 जा 35, 6
सिक्स में से फाइव माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचा, वन। अब फाइव आ जाएगा नीचे, ये देखें, और वन आ जाएगा आपका ऊपर, ये देखें, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी साइड में। ठीक है, इससे याद रखिएगा आप कि इसको लिखा कैसे जाता है, सेवन होल वन अपॉइंट फाइव, ये आपका आंसर है। और इससे ज्यादा मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका आंसर है और आपने इसका बी पार्ट करना है। एस पार्ट में आपको करके दिखाऊंगी, तो फिर इससे अगला पार्ट आपने खुद करना है। थ्री थ्री अपॉन फाइव मल्टीप्लाई वन होल वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय फाइव अपॉन नाइन। अब यहां पर आपने पहले तो ऐसे जो सवाल उतार लेना है, सवाल उतार लिया, अगेन सॉल्व लिखने के बाद दोबारा सवाल उतारते हैं, फिर उसके बाद अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करें। फाइव थ्री का 15 में जब आप 3 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 18 अपॉन 5, डिनोमिनेटर की वैल्यू ऐसे चीज आ जाएगी। 2 वन सा 2 और 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 3, तो 3 आ गया और डिनोमिनेटर की वैल्यू ऐसे चीज। और 5 अपॉन 9 तो सिंपल है, फ्रैक्शन फॉर्म है, तो हम इसको ऐसे चीज देखेंगे। अच्छा, अगर ये किसी टेबल से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको टेबल से डिवाइड कर देंगे यहीं पर। जैसे कि हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे आमने सामने करते हैं, तो ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, आप इसको इस तरह से करेंगे कि 5 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 फाइव वन जा 5, 5 वन जा 5, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 3 जा 9, सही है। 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, ये दो हो गए। उसके बाद 2 वन जा 2, 2 9 जा क्या, 18। मैंने इसको किस तरह से किया, पहले इसको इससे, फिर इसको, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, ऊपर नीचे किया है, आमने सामने नहीं किया। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो मैंने 9 मल्टी 9 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 3 एज इट इज लिख दिया। दोबारा कट रहा है 3 और यहाँ पे 9, तो 3 वन जा 3, 3 3 जा 9। इसको हमने इस तरह से काटे क्योंकि हम, आपको पता है ना कि ऊपर नीचे वाली वैल्यू को हम काट देते हैं, तो यहाँ पे ऊपर नीचे ये ऊपर है और ये नीचे, तो 3 वन जा 3, 3 3 जा 9। इसको इस फॉर्म में लिख दें आप, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 अपॉन 1 इसका आंसर होगा, 3 अपॉन 1 वो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि आपका आंसर। ठीक है, अच्छा अब आपने यहाँ पे एस पार्ट मैंने आपको करके दिखाया, आपने आई पार्ट करना है, यानी कि बी ए बी एच और आई, ये चारों पार्ट आपने खुद करने हैं। ठीक है,